गांव था जहां सुषमा अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। सुषमा घर से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करती थी। सुषमा को बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों तो बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है मैडम जी, मगर आजकल पैरों में बहुत दर्द रहता है। मैं समझती हूँ बेटा, मगर पढ़ाई करना भी बहुत जरूरी है। तो हर दिन चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, स्कूल हर रोज आना चाहिए। समझ गए सब? हाँ मैडम जी। गांव में ना तो ट्रेन की सुविधा थी और ना ही बस की। सड़कों की हालत भी बहुत खराब थी। लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। सुषमा का बेटा रामू हलवाई के पास काम किया करता था। एक दिन राहुल थककर घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ये तो हर दिन का हो गया है। सुबह उठो और हर दिन पैदल चल के अपने काम पर जाओ, फिर काम खत्म होते ही वापस इतनी दूर तक चलकर घर आओ। मुझसे अब और नहीं होता यह सब। इस गांव में कुछ बचा ही नहीं है, ना ही रेलगाड़ी की सुविधा ना ही रिक्शा की। इससे अच्छा तो हम दोनों मेरे मायके चलते हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन अम्मी को इस कस्बे से काफी लगाव है, वो आने से मना कर देंगी। मम्मी नहीं आएंगी तो हम खुद ही चले जाएंगे। आखिर कब तक उनकी वजह से हम इसी गांव में सड़ते रहेंगे? ठीक है, मैं अम्मी से पूछ कर देखता हूँ। अगर वो आने से मना करती हैं, तो हम दोनों इस कस्बे को छोड़कर चले जाएंगे। वैसे भी उन्हें अब्बू की पेंशन मिलना खत्म हो गई है, अब यहाँ और रुकने की जरूरत नहीं है। राहुल और मनीषा दोनों ही अपनी मम्मी से बात करने आ गए। मम्मी, हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? मैंने और मनीषा ने ये सोचा है कि हम सबको उसके मायके रहने जाना चाहिए। वहाँ ट्रेन, रिक्शा और बस, इन सब की सुविधा है और हम वहाँ पर सुकून से रह सकेंगे। बेटा, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए। बेटा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ के बच्चों को तालीम देना मेरा काम है और तुम्हारे पापा और मैंने यहीं पर पूरी जिंदगी काटी है। मगर माँ, हमें यहाँ पर पूरी जिंदगी यहाँ नहीं काटनी। ना ये घर अच्छा है, ना ही ये गांव। हर दिन राहुल जी थक कर घर वापस आते हैं, मैं उन्हें अब और ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मुझे माफ करना, मगर मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है अम्मी, आप रहो यहीं पर, लेकिन मैं और मनीषा तो ये घर छोड़कर जा रहे हैं। राहुल अपनी माँ को छोड़कर मनीषा को लेकर उसके मायके रहने चला जाता है। सुषमा मायूस होकर अपने घर के बाहर एक बड़े से दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं पूरी तरीके से आज अकेली हो गई हूँ। पहले आप मुझे छोड़कर चले गए और आज हमारा बेटा राहुल। इस गांव में अगर रेलगाड़ी की सुविधा होती तो शायद राहुल और उसकी बीवी आज मुझे छोड़कर नहीं जाते। सुषमा अपने पति और बच्चों को याद करके उस दरख्त के नीचे रो रही थी कि तभी आसमान में एक जादूगरनी अपने झाड़ू पर उड़ते हुए दरख्त के ऊपर से गुजर रही थी। वाह, आज तो आसमान काफी साफ है, ऐसे आसमान में उड़ने का मजा ही कुछ और है। तभी जादूगरनी को सुषमा के रोने की आवाज आती है। अरे, इतने अच्छे मौसम में ये रोने की आवाज किसकी है? जादूगरनी सुषमा को रोते देख उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं? जी, आप कौन हैं? मैं एक अच्छी जादूगरनी हूँ, जादूगरपुर से। आप बताइए माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? गांव में अच्छी सुविधा न होने की वजह से
आज मेरा बेटा राहुल अपनी बीवी के मायके में रहने चला गया। अगर इस गांव में रेलगाड़ी की सुविधा होती तो शायद आज मुझे मेरा बेटा छोड़कर नहीं जाता और गांव के बच्चे भी स्कूल टाइम पर पहुंच जाते बिना किसी मुश्किल के। ये लीजिए, इस बक्से में जादुई पुर की मिट्टी से बनी चिकनी मिट्टी है, जिसे शहर में क्ले भी कहा जाता है। ये कोई ऐसा वैसा क्ले नहीं है, इससे आप जो बनाएंगी वो खुद ब खुद अपना आकार लेकर ठीक वैसा ही काम करेगा जैसे एक असली चीज काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो उस आदमी का हाल बुरा भी हो सकता है। जादूगरनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बुजुर्ग औरत की मदद करने के लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था माजी। इतना कहकर जादूगरनी अपने रास्ते निकल जाती है और सुषमा उस क्ले के बक्से को घर ले आती है। अगले ही दिन सुबह उठकर वो उसी दरख्त के नीचे आकर उस क्ले से एक छोटी ट्रेन बनाती है। जैसे ही वो ट्रेन पूरी होती है, वो ट्रेन अपने आकार में बड़ी हो जाती है और सारे गांव के लोग वहां आकर उस ट्रेन को देखने लगते हैं और प्रधान भी वहां पहुंचते हैं। ये ट्रेन तो बड़ी अनोखी दिख रही है, लेकिन ये चलती भी है या नहीं? खुद ही इसमें बैठकर देख लीजिए प्रधान जी। गांव वाले ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन चलने लगती है। ये देखकर सब सुषमा के तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और पूरे गांव में इस ट्रेन को बुढ़िया की जादुई रेलगाड़ी के नाम से जाना जाने लगता है। मैं ऐसे ही ट्रेन इस गांव के लिए और बनाऊंगी, जिससे गांव के बच्चे हर दिन बिना थके स्कूल जा सके। सुषमा ऐसे ही काफी सारी ट्रेन बनाती है और गांव में ये ट्रेन पूरी तरह से लोगों के लिए मुफ्त होती है। इस जादुई ट्रेन की वजह से गांव की तरक्की काफी तेजी से होने लगती है और ये बात मनीषा के मायके तक पहुंच जाती है। अरे सुनते हो, मैंने सुना है वहाँ हिम्मतपुर में माँ जी ने एक जादुई रेलगाड़ी बनाई है, जिससे वो गांव काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। सुना तो मैंने भी है भाग्यवान, और सुना तो ये भी है कि सभी रेलगाड़ियों की सुविधा अम्मी ने मुफ्त रखी है। माँ जी चाहती तो बहुत पैसे कमा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये रेलगाड़ी मुफ्त कर रखी है। लगता है अब हमारे कस्बे में जाने का वक्त हो गया है। राहुल और मनीषा दोनों ही अपने गांव हिम्मतपुर वापस आ जाते हैं। राहुल अपनी माँ से आकर कहता है, कैसी हो अम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम और मनीषा कैसे हो? हम भी ठीक है माँ जी। हमने सुना है कि आपने इस गांव में जादुई रेलगाड़ी की शुरुआत की है और वो भी मुफ्त में। हाँ बेटा, ये रेलगाड़ी मुफ्त है, इसीलिए आज बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और गांव की तरक्की भी तेजी से हो रही है। हमने इस कस्बे का ठेका थोड़ी लेकर रखा है अम्मी, आप बेफिक्र रहिए। अब मैं आ गया हूँ ना, अब सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। अगले ही दिन राहुल सुबह जल्दी उठकर रेलगाड़ी के पास जाता है और सबसे कहने लगता है, आज से ये रेलगाड़ी इस्तेमाल करने के लिए आप सबको टिकट लेना पड़ेगा। जो टिकट नहीं लेगा वो ट्रेन की सवारी नहीं कर पाएगा। उसी वक्त गांव के प्रधान वहां पहुंचते हैं। लेकिन राहुल, तुम्हें तो इस कस्बे का हाल पता ही है, इसी वजह से तुम्हारी अम्मी ने इस ट्रेन की सुविधा मुफ्त की थी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अगर इस ट्रेन में बैठना है तो ट्रेन की टिकट खरीदनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये प्रधान जी कि हम लोगों ने इस कस्बे का ठेका लेकर नहीं रखा है, जो मुफ्त में रेलगाड़ी की सुविधा देते रहे। सभी गांव के लोग टिकट लेकर ट्रेन में सफर करने लगते हैं। और एक दिन मनीषा राहुल से कहती है, अभी तो हम बहुत रईस हो गए हैं, लेकिन हमारा घर अभी भी बहुत छोटा है और मुझे पता है कि माँ जी ने ये जादुई रेलगाड़ी कैसे बनाई है। उनके कमरे में एक बक्सा रखा है जिसमें क्ले है और वो क्ले मायावी है। उस क्ले से तुम जो भी बनाओगे वो चीज असली बन जाएगी। अगर ऐसा है तो
उस क्ले से हम एक बंगला बना लेंगे और उसी बंगले में रहेंगे। जी, वही तो मैं भी सोच रही थी। और जैसे ही माँ जी सोएंगी, तभी मैं उस बक्से से थोड़ा सा क्ले लेकर आ जाऊंगी। जैसे ही रात होती है, वैसे ही मनीषा सुषमा के कमरे में जाकर उस बक्से में से थोड़ा सा क्ले ले लेती है। और अगली सुबह राहुल और मनीषा एक खुले मैदान में जाते हैं और वहाँ पर राहुल क्ले से एक बंगला बनाता है, मगर बंगले में दरवाजा बनाना भूल जाता है और वैसा ही क्ले वाला बंगला असली बंगले में तब्दील हो जाता है और वो दोनों ही बंगले में कैद हो जाते हैं। अरे, ये बंगला कितना बड़ा और अच्छा है। मगर मनीषा, हम इस बंगले से बाहर निकलेंगे कैसे, क्योंकि मुझे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है। मैं तो दरवाजा लगाना भूल गया था। क्या, अगर ऐसा है तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर जाने का रास्ता जब नहीं मिलता, तब वो दोनों ही बहुत निराश हो जाते हैं। और मनीषा कहती है, ये सारी बातें हमारे साथ इसीलिए घट रही हैं क्योंकि हम लालच में अंधे हो गए थे। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैंने जो कस्बे वालों के साथ किया उसी की सजा मिल रही है मुझे। उसी वक्त सुषमा बंगले के बाहर आती है, क्ले निकाल कर एक दरवाजा बनाकर बंगले पर लगा देती है और अंदर चली जाती है। और जब राहुल और मनीषा सुषमा को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं लालच में अंधा हो गया था। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने जो किया आज हमें उसकी सजा मिल गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, मुझे इसकी बहुत खुशी हो रही है। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। शुक्रिया अम्मी, आप जैसा और कोई नहीं है। मैं आज ही रेलगाड़ी का टिकट बेचना बंद कर दूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा।